पोलिटिकल डिस्कसन जो हो रहा है वो मधेश का जो मांग है पोलिटिकल मांग सब संबोधन किया है, लेकिन एक बात है कि पिछले साल जो मधेश आंदोलन हुआ था संविधान जारी करने के समय में, वहाँ पर एक मांग उठाई थी संविधान संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन ये बात हो रहा है कि संविधान संशोधन के बारे में सरकार और मधेश केंद्रीय दल जो हो उसके बाद उसके बीच बात हो रहा है, लेकिन मेरे नज़र से यह है कि इस संविधान संशोधन का एजेंडा नहीं तो सरकार आगे बढ़ाएगा, नहीं तो मोर्चवादी दल आगे बढ़ाएगा। मोर्चवादी दल इस संविधान संशोधन के बाद बढ़ा तो उसके पास पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी नहीं होगा, तो क्या करेगा उसके बाद संविधान संशोधन के बाद? इसलिए वो उसका जरूरत नहीं ठानते कि अभी चाहिए ये जल्दी चाहिए, वो नहीं कर रहा है। सरकार भी ये एजेंडा का संबोधन करने के वो इच्छुक नहीं है, क्योंकि मोर्चवादी दल जो स्पीड से वो मांग का संबोधन करना मांग करना पड़ेगा चाहे थे वो नहीं कर रहा है।